उत्पत्ति अध्याय 33, उत्पत्ति अध्याय 33। और याकूब ने आंखें उठाकर देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने लड़के बालों को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों लौंडियों को सौंप दिया, और उसने सबके आगे लड़कों समेत लौंडियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा, और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब ऐसा उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है सो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत लौंडियों ने आकर दंडवत किया, फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत की, पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत की। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। सो यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसको दबाया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देनेहारी भेड़ बकरियां और गाय है। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाके जाए तो सबके सब मर जाएंगे। सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और लड़के बालों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर शेर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। ऐसा उन्होंने कहा, तो अपने संगवालों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊंगा। उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। और याकूब जो पदनराम से आया था सो कनान देश के शकेम के नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथों से 100 कसीतों से मोल लिया और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल लोहे इसराइल रखा।